News 18, India. और चेतावनी दी कि अगर किसी ने लड़कियों के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की तो बच नहीं पाएगा, क्योंकि सरकार ने एक ऐसा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना दिया है जहां से सीसीटीवी के जरिए शहरों में हर जगह पुलिस नजर रखती है और अगर कोई वारदात करके बदमाश भाग रहा होगा तो अगले ही चौराहे पर उसका हिसाब किताब कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये चेतावनी दी गई है बदमाशों और तमाम आरोपियों को। अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं बबूस देगी, भाग नहीं पाएगा। वो भाग नहीं पाएगा, एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी और उन्हें बधाई भी दी। भारत रत्न दिए जाने की जानकारी मिलने पर लालकृष्ण आडवाणी भावुक हो गए और उन्होंने भारत रत्न को अपने आदर्शों और सिद्धांतों का सम्मान बताया। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में देश के लिए असाधारण योगदान देने वाले लोगों को सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाता है। 2015 में पद्म भूषण से सम्मानित हो चुके हैं लालकृष्ण आडवाणी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जब उन्हें भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया तो लालकृष्ण आडवाणी भावुक हो चुके थे और उन्होंने कहा कि ये मेरे आदर्शों और सिद्धांतों का सम्मान है। आपको बताएं भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें व्यक्ति होंगे लालकृष्ण आडवाणी। 2015 में इससे पहले पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और आपको बताएं कि कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में देश के लिए असाधारण योगदान देने वाले लोगों को सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाज दिया जाता है। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान से बरेली के मौलाना तौकीर रजा भड़क गए और उन्होंने आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का विरोध कर दिया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया है तो इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कुछ लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। उनको भारत रत्न इसलिए दिया जा रहा है कि उन्होंने हिंदुस्तान में बंटवारे की राजनीति की, लोगों को नाराज करने और नफरतें फैलाने की राजनीति की। उनको अगर भारत रत्न दिया जाता है तो ये भारत रत्न का अपमान है। तो लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा जा रहा है और ऐसे में तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर